सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैथ सेट नंबर सेकंड 10 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 20 क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ आज की क्लास में मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आता है, गारंटी में ले रहा हूं आपके 20 में से 20 नंबर एसएससी जीडी मैथ में बड़े आसान तरीके से आएंगे। क्योंकि बच्चों मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भाग। नंबर दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। नंबर तीन, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी एक काम को अलग अलग 10 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। साथ के साथ करते हुए चलना है, ठीक है जी। एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का 15 दुनी 30, 30 एलसीएम आ गया आपका, 10 3 30, 15 दुनी 30। इफिशियंसी कितनी निकल कर आई? ए की 3, बी की 2। बी अकेला 3 दिन काम करता है, बी की इफिशियंसी कितनी? 2 2 गुना 3, 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 6। जो एलसीएम होता है हमारा वो कुल वर्क होता है, 30 टोटल वर्क है हमारा, 6 बी ने कर चुका है, शेष कितना बचा? 24। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए सी एस काम कितने दिन में करेगा? ए की इफिशियंसी कितनी थी? 3, 24/3 कर दीजिएगा, 3 8 24, 8 दिन में कर लेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है तो आपको एक क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि कम समय में डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स क्वेश्चन मैथ के कैसे सोल्व करते हैं आप ये सीखने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें महत्तम समत्वर्तक और लघुत्तम समत्वर्तक 8 और 24 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या कर देते हैं? एलसीएम इंटू एससीएफ, 8 चौक 32, 32 क्या एक जीरो बढ़ा दो 4 वाली, 320। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 320 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिएगा, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लगता है। यदि आप सोल्व करने बैठोगे तो एक पेज पर आपका सोल्यूशन आएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा सोल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करा रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 1.5 वर्ष में 8% प्रतिवर्ष की दर से निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 228। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, 228 दे रहा है, साइड में लिख दीजिएगा। इसके बाद जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, अर्धवार्षिक का मतलब जो 1.5 साल है, समय डबल हो जाएगा, ईयर कितना हो जाएगा आपका? 3 ईयर। जो दर है आपकी, दर कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाती है, 8 का आधा कितना होगा? 4। आर बराबर कितनी हो जाएगी? 4%, ठीक है, अंतर हमें दे ही रखा है। अब क्या करोगे? 4% के अकॉर्डिंग 3 साल का निकाल देंगे, क्या इसकी परसेंटेज 100 से 104 हो रहा है, 100 से 104। मैं यहाँ पे 100 से 104 नहीं लिखने का, मैं 100 को 25 लिखूंगा मैं, और आपका 104 को 26 लिखूंगा। देखिएगा 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, 3 बार इसलिए किया क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। जब 25 25 25 की गुना करोगे आप, 15 625 आएगा, कितना आएगा? 15 625, 26 26 26 की जब 3 बार गुना करोगे, ये कितना आएगा? 17 576। अब मेरे सामने 2 डिजिट निकल कर आई, जो मेरा अमाउंट थी 15 625 गुना करने के बाद 25 की 3 बार, और चक्रवर्ती ब्याज 26 गुना 26 गुना 26 कितना हो जाएगा हमारा? 17 576। अब इनका डिफरेंस देखिएगा, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? जब इसको आप इसमें से घटाओगे डिफरेंस कितना आएगा आपका? डिफरेंस आएगा 1956, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रहा है? 228 दे रहा है, 228 दे रहा है। कोई बात नहीं जी, ये तो हमारा सीआई है, चक्रवर्ती ब्याज 1951। अब हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज इसका। साधारण ब्याज कैसे निकाल लोगे? देखिएगा 1551 याद रखना है आपको। अमाउंट कितनी है हमारी? 15625 है। ये कहां से आई? ये 100 25 25 25 की गुना 3 बार करने के बाद आई। गुना दर कितनी? 1.5। समय कितना? दर हमारी है 8%, 8 नहीं वर्ष हमारा 8% है, दर हमारी 1.5/100। जब यहां से आप साधारण ब्याज निकाल लोगे, साधारण ब्याज निकल कर आएगा आपका 875। इससे आसान सोल्यूशन नहीं होने का बच्चों। चक्रवर्ती ब्याज कितना था हमारा? 1951 था। साधारण ब्याज कितना है हमारा? 1875। इन दोनों का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 76, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रहा है? 228, 228। कितने गुना है? 1/3। जब 76 से काटोगे 228 को, 1/3 आएगा। हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना था? 15 625 की गुना जब 3 में कर दोगे आप, तो आपके अमाउंट निकल कर आ जाएगी 46875 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका 46875 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा।
यदि आपको समझ में नहीं आया है, जो स्टूडेंट मेरे से पहली बार मैथ की क्लास कर रहे हैं, थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन देखो कंपटीशन का मैथ ऐसे ही सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर क्या कह रहे हैं, जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार राशि ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है। यदि 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करना अपना उधार चुकाता है तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूला आता हो या नहीं आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंजप्शन मेथड से, कैलकुलेशन से हम हर क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। ठीक है, अमाउंट लिखते हैं डायरेक्ट 21,921.50 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 बटे 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11। सर ये कहां से आया 10 11? ये 10 11 कहीं से नहीं आया, जो दर थी ना हमारी 10%, जब 10 बटे 100 करोगे आप, 0 से 0 काटोगे, 10 से 11 ये 4 बार क्यों लिखा है, 4 साल की बात कर रहे हैं। ऐसे जब आप फॉर्मूला पुट करोगे ना, फॉर्मूला पुट करने के बाद 6-7 लाइन बाद आप लास्ट में यही डिजिट लिखोगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जब आप इसे कट कर दोगे तब आपका राइट आंसर आ जाएगा 15,000, आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बस स्टेशन पी से क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन 9 से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल निकालने के लिए देखो एक पैटेंट होता है, क्या करते हैं 2 की गुना दोनों स्पीड में कर देते हैं, बटे दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तब डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाता है। ये क्यों है बच्चों, यहाँ पर 9 के स्थान पर क्यों है, थोड़ा मिस प्रिंट है, स्टेशन क्यों से। अब हमें पता है 2 लिखेंगे गुना पहली स्पीड 70 गुना दूसरी स्पीड 90 गुना करके लिख दिया ऊपरली साइड, बटे दोनों स्पीडों का योगफल 70 प्लस 90। अब जब आप ऐड करोगे 2 गुना 70 गुना 90 बटे 160, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 8 16, 8, फिर 2 से काटोगे 2 चौक 8, ठीक है जी, फिर 2 से काटोगे 35, ठीक है जी, फिर जब इसे आप पूरा सोल्व करोगे, पूरा सोल्व करने के बाद 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। जिन स्टूडेंट को कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जिनका मैथ अच्छा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिए गए हैं मैथ के सभी चैप्टर के, लगभग 20 से 25 चैप्टर कवर कराए हैं ट्रिक के अप्रोच के साथ, एक बार जाकर लिंक पर क्लिक करके देखिएगा, आपको मैथ रीजनिंग से भी ज्यादा आसान लगने लगेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिनों में करते हैं, सोनल प्लस अर्जुन कितने दिन में कर रहे हैं, 57 डे में। अर्जुन और रोहन 38 दिनों में करते हैं, अर्जुन प्लस रोहन कितने दिन में कर रहे हैं, 38 डे में। जैसे जैसे कहते हैं लिखते चलो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व साथ के साथ करते चलो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ोगे कोई जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, रोहन और सोनल 38 दिन में, रोहन प्लस सोनल कितने दिन में कर रहे हैं, ये भी 38 दिन में कर रहे हैं। 57, 38 और 38 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 114। 57 से 114 दो बार काटते हैं, सोनल और अर्जुन की एफिशिएंसी 2 निकल कर आई, अर्जुन और रोहन की एफिशिएंसी कितनी, 38 से 114 तीन बार काटते हैं, फिर 38 से 114 तीन बार काटते हैं, कुल मिलाकर सोनल और अर्जुन की एफिशिएंसी 2, अर्जुन रोहन की एफिशिएंसी 3, रोहन और सोनल की एफिशिएंसी 3। जब डबल डबल डिजिट देकर रखता है, डबल डबल हम काउंट करते हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 3 8, 8/2 कर देते हैं क्योंकि डबल डबल काउंट हुआ, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 4। क्वेश्चन में पूछा क्या है, सोनल अर्जुन रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जो हमारा एलसीएम था 114 बटे इफिशियंसी कितनी निकल कर आई 4, 4 कहां से आया, ये कुल मिलाकर आपका ये 8 हो रहा था, ठीक है जी, ये डबल डबल काउंट कर रहे हैं इसलिए हाफ कर देते हैं, 8 का हाफ कितना होता है 4 होता है, 4 से जब 114 को आप कट करोगे तब आपका 28.5 निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हुआ, ऐसे क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट सोल्व करना सीख लीजिएगा, 80 और 64 का अंतर कितना होता है, जब आप 80 में से 64 घटाओगे अंतर निकल कर आएगा 16 कम हुआ है, कितने पर कम हुआ है, पहले उसका वेट कितना था 80, 16/80 × 100 डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा, 16 से काटोगे 16 5 80, 5 से 100 को काटोगे 20 बार, 20% आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
7:5:3 के चौथे समानुपाती तथा 7:13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसमें ये क्वेश्चन फिक्स है जी, एसएससी जीडी में भी आएगा, यूपी पुलिस में भी आएगा, बहुत आसान है। देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7:5:3 का चौथा अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी आपको पता होगा 7:5:3 चौथा अनुपात निकालने के लिए इसकी जगह कुछ भी डिजिट रख देना, एक्स लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो। बाहर बार की गुना, अंदर अंदर की गुना। जब बाहर बार की गुना करोगे 7x, अंदर की गुना करोगे 15 × 15 = 7 आपका चौथा अनुपात निकल कर आएगा। अब बात करते हैं तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं। सर सेकंड डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं और फर्स्ट डिजिट से भाग कर देते हैं। फॉर्मूले आपको मैं ऐसे ही कवर कराऊंगा, रट्टा फिक्सेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने की। 7 × 13 का तीसरा अनुपात 13² होगा, 13² / 7 169/7। चतुर्थ अनुपात हमारा कितना निकल कर आया था 15/7 और तृतीय अनुपात निकल कर आया हमारा 169/7। अब इनका रेशो जब 7 से 7, 7 कॉमन ही है, आपका 15 अनुपात 169 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर है, यदि उसके आधार पर व्यास 16 मीटर है तो उसकी गहराई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी दे रहा है, 5632 मीटर, ठीक है जी। पाई आर एच कितना दे रखा है इसने, 5632। फॉर्म वैल्यू पुट कर दो बस, पाई का मान 22/7 गुना आर कितनी है 16, व्यास 16 दे रखा है ना, 16.2 करेंगे क्योंकि व्यास का हाफ होता है, व्यास जो दे रखा है 16 दे रखा है ना, 16² / 2 × h। इतनी बात समझ में आई आपके, बराबर कितना दे रखा है 5632। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची। तो h बराबर, जब h की मान निकाल लोगे आप 5632, 7 ऊपर चला जाएगा बटे 22 गुना 8 गुना 8, ठीक है जी। जब इसको कट करोगे तब आपका 28 आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, उसका लाभ प्रतिशत में दो स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को देखना, घबराना नहीं है। क्या होता है, साधारण भाषा में देखिएगा, 100% का नियम लगता है प्रत्येक क्वेश्चन में, 100% है। जब 12% के लाभ पर बेचोगे तो 112 का बिकेगा, जब आप 15% कम वजन दोगे तो आप 85 दोगे, 100 में से घटा देते हैं, हानि या कम होता है तब घटा देते हैं, प्रॉफिट को जोड़ देते हैं 100 में, 100 में 12 प्रॉफिट था हमारा, 112 हुआ, हानि 15 थी, 100 में से घटा गए 85 हुआ। अब पूछा क्या गया है ये देखिएगा, 15% वजन में कम देता है, अब आपको ये बताना है लाभ प्रतिशत बताना है, 85 और 12 का 112 का डिफरेंस कितना होता है 27 का फायदा हुआ, समान तो आपका 100 के स्थान में 85 गया है ना, 15% कम वजन गया है बटे 85 गुना 100। जब आप इसको कट करोगे तो 31.76 आपका निकल कर आएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए बी का अनुपात 5:6, बी सी का 6:7, तो आपको ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान बताना है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिख देते हैं। देखिएगा अनुपात का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ए अनुपात बी लिखेंगे, इसके नीचे इसका अनुपात 5:6, फिर सी भी 7 के साथ ही लेकर चलेंगे, बी सी का कितना दे रखा है 6:7, बी के नीचे 6 लिखेंगे, सी के नीचे 7 लिखेंगे। अब तीनों का अनुपात निकालने के लिए क्या होगा, पहले ए बी सी का अलग अलग अनुपात निकालते हैं, ए की गुना बी वाले अनुपात में करेंगे, 5×6 30, 6×6 36, 6×42 आपका निकल कर आया, ए का अनुपात है 30, बी का 36, सी का 42। इसको छोटा कर लेते हैं, रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, कहीं से कटेगा आपका ये 6 से कट जाएगा, 6×5 30, 6×6 36, 6×42 ए अनुपात बी अनुपात सी आपका निकल कर आया 5:6:7। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर सामने होगा। ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 5 + 6 = 11, बी प्लस सी 6 + 7, सी प्लस ए 7 + 5। अब देखते हैं जोड़कर, 5×6 = 11 अनुपात 6×7, 7×6 कितने होते हैं 13 अनुपात 7×5 = 12, 11:13:12 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने का। हमारी तांडव सीरीज की ये प्रीवियस ईयर आपके सभी क्लास चल रही है, जीके, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी, ऐसी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी लगातार क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्तक, उनके मैसे पे
का 15 गुना और लैसे पे और मैसे पे का योग आपका 112 है। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन फिक्स है जी, आना ही आना है। लघुत्तम समापवर्त देगा, महत्तम देगा, दो संख्याओं में से एक देगा, चार चीज में से आपको तीन कुछ भी दे सकता है, एक का मान पूछेगा। एक नंबर फिक्स है आपका एसएससी जीडी में भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में भी फिक्स है क्वेश्चन। यदि मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन बताऊंगा ना मैथ में, तो उनमें से फिक्स है 60% क्वेश्चन उनमें से आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं मैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन वो दूंगा जरूर। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी स्टूडेंट। एलसीएम एलसीएम जो कह रहा है आपको 15 गुना है किसका, मैसे का, कोई बात नहीं लिख दे साथ के साथ लिखते चलो। इसके बाद क्या कह रहा है, एलसीएम प्लस एससीएफ का योग कितना दे रहा है, 112, कोई बात नहीं। इसके बाद जो हमारा 15 गुना मैसे एक मान लेते हैं ठीक है, प्लस एक इंटू मैसे बराबर 112, यहां से आपका मैसे निकल कर आएगा कितना आएगा 112 बटे ये प्लस है यहां पर गुना नहीं है, 15 प्लस एक 112 बटे 16, ये हमारा क्या होगा 16 से जब 112 को कटोगे 7 निकल कर आएगा। ऐसी लैस निकाल लेंगे, 15 गुना 7 कर दो, 15 सत्ते कितने होते हैं 105। हमारे पास डिजिट आ चुकी है जिसका हम इस्तेमाल करने हैं, डिजिट क्या दे रखी, पहली संख्या 49 इंटू दूसरी निकालनी है बराबर 105 हमारा ये और गुना 7। जब आप यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करोगे, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। दूसरी संख्या निकालने के लिए तीन चीज आ चुकी है हमारे पास जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, 105 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा ये, कितना था 49, 7 से 49 7 एकम 7 77 49, 7 से कितनी बार 7 एकम 7 7 5 35, दूसरी संख्या निकल कर आई आपकी 15। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 400 मीटर लंबी एक वर्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रम से 10 मीटर प्रति सेकंड 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। चलो देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 400 मीटर की दौड़ है, एक की स्पीड आपकी 10 है भाग कर लो, दूसरे की स्पीड 400 बटे 16 है। जब आप इसका का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 बराबर कितना होगा फैक्टर करो उसके, 2 × 4 × 8 × 5 = 40। फिर आप 25 का देखते हैं, 25 का 5 × 5 ये आपका निकल कर आया, 40 और 25 का एलसीएम निकालोगे जब आप क्या आएगा 200 आएगा, 200 सेकंड लगेंगे इसको दोबारा मिलने में ठीक है, बाद मिलेंगे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी आपका फिक्स है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्या करेंगे, अंडर रूट तीनों का स्क्वायर कर देंगे, एल बी एच, एल होती है आपकी लंबाई, बी होती है आपकी विड्थ और एच होती है आपकी हाइट। जब स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, 10 स्क्वायर क्या 100 ही लिख देता हूं, 10 स्क्वायर = 100, चलो 10 स्क्वायर ही कर देता हूं, ज्यादा गायब नहीं करता, ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरे 10 स्क्वायर प्लस फिर 5 स्क्वायर, 10 दशम 100 प्लस 10 दशम 100 प्लस 5 × 5 = 25, टोटल आपका 225 निकल कर आएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। 225 अंडर रूट में है बच्चों ये, यदि अंडर रूट में दे रखा है 225 राइट आंसर होगा, यदि अंडर रूट में नहीं दे रखा है 225 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 15 का होता है, 15 मीटर आपका राइट आंसर आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है ना, लगभग 2-3-4 साल हो गया आप मैथ करते हुए आ रहे हैं, तो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लगाना, आपको नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की, रिवान छूट 810 रुपये बचाना चाहता है, ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए, यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है, कोई बात नहीं, कितने प्रतिशत छूट कह रहा है, 30 डायरेक्ट 30 लिखिएगा, 30 गुना अमाउंट कितना था 540 अपॉन 100, यहां से इसका बचत निकाल कर आ जाएगी, कितना बचाना चाह रहे हैं 162 रुपये बचाना चाह रहे हैं, 810 रुपये बचाना चाह रहा था, 162 से डिवाइड कर दो, कितनी वो करनी पड़ेगी, कितनी शर्ट है 5 शर्ट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, सर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर में, और किलोमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं मीटर पर सेकंड में। मैं आपको आज कोई तरीका बताता हूँ, एक तो होता है आपका 5/18, एक मिनट रुको, 5/18, एक होता है आपका 18/5। अब इसमें बताओ बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, सर 18/5 बड़ा होता है और 5/18 छोटा होता है, इतना तो सभी को पता होगा। अब ये देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे आप, तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 है, जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं ना,
जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो छोटे से गुणा कर दो, छोटा कौन था इसमें 5/18 × 5/18, इतनी बात समझ में आई। मतलब जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो छोटे से ही गुणा करनी है, तो 5/18 से करोगे, कट करो 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 6 तो काट लो, डायरेक्ट 6 तो काटेंगे, 6 × 18 कितनी बार कटेगा, 6 × 3 = 18, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 0, ये वो आपका 10×5 = 50, 50/3 m/s निकल कर आया, 50/3 m/s निकल कर आया, घंटे की चाल से चलती हुई मीटर पर सेकंड होगा, 18 सेकंड में पार करते, गुणा 18 करो, 3 × 3 = 3, 6 × 18, 5 × 6 = 30, कुल 300 मीटर आई लंबाई निकल कर। तो पुल की लंबाई बताओ, जब 120 मीटर गाड़ी की इन 300 में से 120 घटा दो 300 में से, कितना आया 180 मीटर पुल की लंबाई आ जाएगी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका मान प्रतिशत में क्या होगा। चलो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, अभी देखो 100 लिखते हैं, एक साइड 115 लिखो, क्योंकि अधिक प्रतिशत 15% अधिक अंकित कर रहा, जब अधिक होता है या लाभ होता है जुड़ जाता है, 100 में से हानि या छूट या डिस्काउंट घट जाते हैं, 100 में से 20 घटाओगे 80, इतनी बात समझ में आई, 100 से 115 और 80। अब ये देखो आप 115 का 115 था हमारा अंकित मूल्य, बढ़ा के गुना 20 की छूट दे रहा, 100 में तक घटा के 20, 80 लिख दो बटे 100 लिख दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 कितना आया आपका, 21 × 4 कितने होते हैं, 21 × 4 नहीं, दोबारा देखता हूँ, ज़्यादा जल्दी कर दी, 115 × 80/100, 0 से 0 कैंसिल, अब 2 से काटेंगे 10 को, 2 × 5 = 10, 2 से काटेंगे 8 को, 2 × 4 = 8, अब 5 से 115 कितनी बार काटा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 23 × 4 कितने होते हैं 92, हमारा 100 था, 100 से 92 कितने कम है 8%, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जेके का सभी स्टूडेंट, भाई 20% वृद्धि कह रहा, 120/100 में जोड़ के ऊपरली साइड लिख देते गुना, 25% कमी कह रहा, 100 में से कमी घटा देते हैं, 100 में से 25 जाकर कितने बचते, 75/100, कै रुपये थे, 350 बस, जब हिसाब सोल्व करोगे 315 आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर होगा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखो कितना आसान है औसत के क्वेश्चन सोल्व करना, कैसे करते हैं, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, 10 × 89 = 890 बढ़ा दो आगे हो जाएगी गुना, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है और तो शेष वस्तु का इसमें 35 घटा दो, जब आप 390 में से 35 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 855, पहले 10 थी अब 9 बची, जब 855 को 9 से काटोगे आप 95 निकल कर आ जाएगा आपका राइट आंसर, तो 9 का कितना 95, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिएगा सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा, एक टेबल फैन को इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है, तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा ये, मैं आपको बेसिक से ही बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है ना, इसकी ट्रिकी अप्रोच के साथ इसे सोल्व मैं जरूर करूंगा, ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट देख लीजिएगा सभी, देख लो सभी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, 2827.06 रुपये की बेच रहा है, इसमें तो माइनस कर दो एक्स, 2827.06 माइनस एक्स बराबर, फिर क्या कह रहा है, एक्स में से 2230 रुपये घटा दोगे, ठीक है, ये घटाने के बाद और उसका 114 निकाल लेंगे, 14% लाभ ले रहा, 14 जोड़ देते हैं 100 में, ये आपको निकालना है, जब आप यहाँ से निकाल लोगे तो आपका 214x बराबर वैल्यू पूरी निकल कर आएगी, 5362 निकल कर आएगी, जब इसको काटेंगे x बराबर आपका 2509 निकल कर आएगा, 2509, ठीक है जी, अब क्या करेंगे, 2509 आया तो ये क्या करोगे आप, 2509 × 14 का लाभ 114/100 कर देना, तब आपका यहाँ से निकल कर आएगा 2860.26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2860.26 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको क्लास आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।